गाइस, सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे टेस्ट एनजी फाइल को क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू आरएक्सएल फाइल। सो हमने क्रिएट करा और ये टेस्ट एनजी फाइल हमने डायनेमिकली जनरेट की, जिसमें हमने ऐड किए थे टेस्ट क्लासेस एंड इंक्लूड्स मेथड। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू ऐड पैरामीटर्स इन आर टेस्ट एनजी फाइल। सो गाइस, हमने यहाँ पे एक्सेल फाइल हमने बनाई थी ये, और इसी के बेसिस पे हम रन फ्लैग ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे हम डेटा ले रहे थे, और हमने क्लासेस के बेसिस पे टेस्ट केसेस इंक्लूड करवाए टेस्ट एनजी फाइल के अंदर। अब मैं आपको ये जो टेस्ट डेटा है उसको कैसे ऐड करते हैं अपने टेस्ट एनजी फाइल में, एंड देन हाउ टू ऐड इन आर प्रोजेक्ट। और इन प्रीवियस वीडियो मैं आपको टेस्ट एनजी को रन करके नहीं बताया था, एक्चुअली आई फॉरगॉट। सो इस वीडियो में पैरामीटर ऐड करने के बाद अपने टेस्ट एनजी फाइल के थ्रू अपना एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगा वो भी बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो अपनी टेस्ट सूट एग्जीक्यूटर फाइल थी, इसके अंदर मैंने सारा कोड इसमें बताया था आपको कि कैसे एक्सएमएल सूट बनाएंगे और टेस्ट एनजी फाइल के थ्रू इसको रन करेंगे, और कैसे सेट इंक्लूड्स के थ्रू अपन टेस्ट केसेस को एक्सेस करेंगे। ठीक है, इंक्लूड और एक्सक्लूड मेथड अपन ने दोनों ऐड किए थे। अब मैं बताता हूँ आपको पैरामीटर्स कैसे ऐड करेंगे। तो मैं गेट टेस्ट केसेस के अंदर जाऊँगा, इसी के अंदर मैंने इंक्लूड मेथड यहाँ पे बनाया, इंक्लूड का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें इंक्लूड मेथड ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ कंडीशन मैंने लगा रखी है कि जिसका फ्लैग ट्रू है और जिसकी क्लास मास्टर क्लास में है वही यहाँ पे मेथड इंक्लूड हो, तो हमें डेटा भी उन्हीं का चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ट्रू है होम पेज का, तो मुझे ये सारा डेटा चाहिए, टेस्ट डेटा। ठीक है, ये एक डमी डेटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो मैं ये गेट करूँगा कि इसके अंदर कितना डेटा है। सो मैं यहाँ पे क्या टोटल कॉलम में गेट करूँगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाऊँगा इंटीजर टोटल कॉलम। इक्वल टू शीट डॉट गेट गेट रॉ जीरो रो डॉट गेट लास्ट सेल नंबर। ओके, ठीक है, तो अपन इंक्लूड किया अपन ने, अपने इसी के अंदर एक लूप चलाता हूँ जिसके थ्रू अपन ऐड करेंगे पैरामीटर्स को। फॉर इंटीजर जे इक्वल टू, अब मुझे जे कहाँ से स्टार्ट करना है कि जहाँ से अपना टेस्ट डेटा स्टार्ट हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा अपना, 5 5 से जहाँ तक लास्ट कॉलम है वहाँ तक, तो जे इक्वल टू 5, जे लेस देन टोटल कॉलम एंड जे प्लस प्लस। अब देखो ये जो इंक्लूड अपने पास ऑब्जेक्ट है ये अपन को प्रोवाइड करवाता है पैरामीटर ऐड करने की फैसिलिटी। सो ऐड पैरामीटर्स, अब यहाँ पे स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग वैल्यू जो अपन को यहाँ पे इसमें ऐड करनी है। सो स्ट्रिंग नेम, नेम कौन सा है, नेम और की वैल्यू है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग नेम है वो की का रोल प्ले कर रहा है। सो की इज़ अ फील्ड नेम, सो फील्ड नेम इज़ अ टेस्ट डेटा 1, टेस्ट डेटा 2, टेस्ट डेटा 3, 4। सो यहाँ पे अपन को पास करना होगा गेट सेल और आई हमेशा ज़ीरो रहेगा इस कंडीशन में, और कॉलम जो अपना जे रहेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अपने वैल्यू गेट करने के लिए गेट सेल, ये सब मेथड मैंने बना रखे फ्रेंड्स, और मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखना मैंने मेथड कैसे बनाया और कैसे डेटा को एक्सेस कर रहे हैं अपन डायरेक्टली। सो गेट सेल आई रो कॉलन जे, अब ये अपन ने बना दिया है, इंक्लूड कर दिए सारे पैरामीटर्स। ठीक है, तो अब अपन अपनी फाइल को जनरेट करके देखते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे टेस्ट सूट एग्जीक्यूटर, और अभी तो इसको अपन ने टेस्ट एनजी को रन नहीं करवाया, ओनली क्रिएट कर पा के देखेंगे। सो एग्जीक्यूट ड्राइवर स्क्रिप्ट,
ये ड्राइवर स्क्रिप्ट मैंने बना रखा है फ्रेंड्स, और एग्जीक्यूटेड और टेस्ट एनजी रनर वो उस मेथड का नाम है जहाँ पे टेस्ट एनजी फाइल जो जनरेट हो रही है। सो रन जावा एप्लीकेशन एंड यहाँ पे देखेंगे अब ये जनरेट होती है। अगर जनरेट अगर हो जाएगी तो यहाँ पे मेथड का नाम यहाँ पे अपने मतलब फाइल का पाथ यहाँ पे आ गया है। आउटपुट में रिफ्रेश करते हैं इसको। देखो ठीक है गाइस, सो यहाँ पे क्लास हो गया, मेथड हो गया, इंक्लूड हो गया। इंक्लूड के अंदर फोर पैरामीटर्स है अपने पास, फोर पैरामीटर्स ओनली, यहाँ पे ओनली यही ट्रू है अभी ठीक है, क्योंकि मास्टर में अपनी ये मास्टर शीट है, इसमें ओनली होम पेज का मॉड्यूल है, होम टेस्ट डॉट होम पेज क्लास ट्रू है, तो इसके बेसिस पे ओनली ये वाले दोनों टेस्ट केस चलेंगे। अब दोनों टेस्ट केसेस में भी यहाँ पे रन फ्लैग कौन सा हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो ये वाला और डेटा ओनली इसी का जाएगा ठीक है। अगर मैं इसको भी यहाँ पे ट्रू कर दूँ तो अपने पास डेटा ये दोनों का जनरेट होना चाहिए ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, टेस्ट सूट एग्जीक्यूट ड्राइवर स्क्रिप्ट रन जावा एप्लीकेशन। एग्जीक्यूशन डन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गाइज फर्स्ट टेस्ट केसेस का जो मेथड इंक्लूड हुआ उसके पैरामीटर्स है, देन उसके बाद सेकंड टेस्ट केस जो ट्रू था वो यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे उसके पैरामीटर ऐड हो गए। अब इन पैरामीटर्स को अपन अपनी क्लासेस में यूज़ में ले सकते हैं और उन पे अपन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहें उनके थ्रू करवा सकते हैं। तो सो गो टू द आर टेस्ट क्लास, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको हटा के। यहाँ पे जैसे मुझे नहीं चाहिए सारे पैरामीटर्स इस मेथड के अंदर, मुझे ओनली चाहिए एक या दो या तीन जो भी आपको चाहिए पैरामीटर। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक पैरामीटर एनोटेशन होता है वो यहाँ पे सेट करना है, एट द रेट पैरामीटर्स ठीक है, पैरामीटर्स देन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्ट्रिंग है वो, तो स्ट्रिंग और यहाँ पे उस फील्ड्स का नेम आपको देना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसका नेम है टेस्ट डेटा वन, सो आई नीड टू गिव द नेम टेस्ट डेटा वन और गिव अनदर नेम टेस्ट डेटा टू। सो गाइज यहाँ पे अपने पास दो मुझे चाहिए मेरे इस टेस्ट केस के अंदर, तो मैंने दो डेटा एक्सेस कर लिए, ये सब टेस्ट एनजी से आएगी उसी के पैरामीटर से ठीक है। अब मुझे दोनों डेटा को अपने टेस्ट केस में यूज में लेना है, सो यहाँ पे पैरामीटर में बनाऊँगा स्ट्रिंग डेटा वन एंड स्ट्रिंग डेटा टू ठीक है। सो डेटा वन यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं अपन, डेटा वन प्लस डेटा यहाँ पे पास करवा देंगे दोनों ठीक है। अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करके देखते हैं अपन थ्रू आर टेस्ट एन जी। सो यहाँ पे अपने पहले तो टेस्ट शूट एग्जीक्यूटर में जाएंगे और इस जो अपन ने कमेंट कर रखा है अनकमेंट करेंगे इसको, और टेस्ट एन जी डॉट रन मेथड अब चलेगा और उसके बाद अपना टेस्ट केस जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू आर टेस्ट टेस्ट एक्सेल शीट ठीक है। सो यहाँ पे होम पेज के टेस्ट केसेस रन हो गए, ट्रू है, फ्लैग इनके दोनों टेस्ट केस है, दोनों टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गए ठीक है। स्टार्ट करते हैं ड्राइवर स्क्रिप्ट, यूजर ने पासवर्ड मैंने दे दिया अपना, जस्ट राइट क्लिक रन जावा एप्लीकेशन। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे दो टेस्ट केस थे पास हो गए दोनों,
और यहाँ पे देखेंगे ये दिस इज़ होम पेज वन, दिस इज़ होम पेज टू, ये जो टेस्ट केस हुए हैं ये दोनों, और ये देखो टेस्ट डेटा होम 01 डेटा वन एंड होम 02 डेटा टू, ये दोनों डेटा जो अपन ने एक्सेस किए थे फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड वाले हैं अपन ने कोई डेटा एक्सेस नहीं किया है। सो यहाँ पे दोनों टेस्ट केस, दोनों इस वाले दिस इज़ होम पेज वन, होम पेज का वन के अंदर अपन ने दो डेटा यूज़ में लिए वो आ गए, और दिस इज़ होम पेज टू, इसके अंदर अपन ने कोई पैरामीटर यूज़ में नहीं लिया था। देखो यहाँ पे पास्ट हुआ होम पेज, दो पैरामीटर अपने टेस्ट एंजी के थ्रू यूज़ में लिए, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, लॉन्च ब्राउज़र करो या कुछ भी करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया हुआ है जस्ट लाइक, मैं अब इसको फॉल्स, फर्स्ट वाले को फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स एंड ट्रू। अब अपने पास क्या आएगा, अपने पास चलेगा लॉगिन टेस्ट वन, इसको भी ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। ट्रू और डेटा ये अपने पास आएगा, डेटा का अभी अपन यूज़ में नहीं ले रहे, ओनली टेस्ट केस चला के देखेंगे, ठीक है। तो टेस्ट केस चलाते हैं, और यहाँ पे अब इसके अंदर अब जो सर ब्राउज़र लॉन्च करवाना चाहें या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे वेबसाइट में ऑटोमेट किया हुआ है तो वो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। ये अपन ने कौन सा स्टार्ट किया है, लॉगिन पेज, सो लॉगिन पेज वन एंड टू स्टार्ट होगा, लॉगिन पेज ये वाला फर्स्ट देन सेकंड वाला, ठीक है। ये सब इनिशियलाइज हुआ, अब ब्राउज़र जो है अपना लॉन्च होगा, ब्राउज़र इज लॉन्च, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी अब ऑपरेशन परफॉर्म, टेस्ट केस जो भी अपन जैसे भी बनाते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, वो आप स्क्रिप्ट बना सकते हो, और इसको टेस्ट डेटा को आप मेंटेन, टेस्ट डेटा प्लस एग्जीक्यूशन सब कुछ आप मेंटेन कर सकते हो एक्सेल सीट से। अब एक्सेल सीट की जगह आप डेटाबेस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट जो लॉजिक है वो सेम रहेगा, आप डेटाबेस के थ्रू भी ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी लोड हो रहा है, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, और क्लिक ऑन एंकर लिंक, यहाँ पे इसने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पेज खुला, और ये बंद हो गया लॉगिन टेस्ट टू, ये वाला भी अपना चल गया लॉगिन टेस्ट टू, ठीक है। फेल वन, वन फेलर हुआ और वन पास। सो यहाँ पे क्या है, स्टाइल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, एलिमेंट इज नॉट अ टेस्ट। सो गाइज मेरे वीडियोज़ हैं उनमें स्टाइल एलिमेंट का भी एक वीडियो है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको भी ऐसी कोई एरर आती है स्टाइल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन की, ठीक है। तो अपना देखो यहाँ पे पास हो गया सेकंड, और फर्स्ट वाला फेल हो गया, ये किसके थ्रू चलाया अपन ने, एक्सेल सीट के थ्रू, यहाँ पे डेटा और एग्जीक्यूशन सब यहीं से मैनेज हो रहा है। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।